हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय सुप्रीम किचन। आज हम बनाने वाले हैं बिल्कुल बाहर के स्टाइल का मैक स्पाइसी पनीर बर्गर। सो लेट्स हॉप ऑन टू द रेसिपी। सो फॉर द फर्स्ट कोटिंग वी विल बी टेकिंग मैदा। इसमें हम डालेंगे अबाउट 1 टेबलस्पून रेड चिली सॉस, 2 टेबलस्पून टमेटो केचप, 1 चिली पाउडर, लिटिल बिट ऑफ गरम मसाला, पेपर एंड लिटिल बिट ऑफ आमचूर पाउडर। अब हम डालेंगे सॉल्ट एंड एन एसेंशियल इंग्रेडिएंट पिरी पिरी मसाला। पिरी पिरी मसाला आप अपने स्पाइस लेवल के हिसाब से कम ज्यादा कर सकते हैं। आई लाइक इट अ लिटिल बिट स्पाइसी, सो आई एडेड अ लिटिल बिट मोर। अब सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स डाल चुके हैं हम लोग। नाउ वी विल ऐड लिटिल बिट ऑफ वाटर। नाउ वी विल मिक्स इट सो दैट हमें एक स्मूथ बैटर मिले फॉर द फर्स्ट कोटिंग। मेक श्योर यू ऐड जस्ट लिटिल वाटर एट द स्टार्टिंग। मिक्स करने के बाद इफ यू थिंक दैट ये ज्यादा थिक हो गया है, देन यू कैन ऐड मोर वाटर धीरे धीरे। लुक एट द कंसिस्टेंसी, बैटर इतना थिक होना चाहिए कि ये फ्रीली फ्लो करे, बट इट्स नॉट टू रनी एज वेल बिकॉज यू नीड अ गुड थिक कोटिंग। गिव इट अ गुड विस्क एंड अ फर्स्ट कोटिंग इज रेडी। फॉर द सेकेंड कोटिंग विच इज द ड्राई कोटिंग वी विल टेक ब्रेड क्रम्स। उसमें हम डालेंगे पीरी पीरी मसाला to give it a nice flavor and little bit of salt and just give it a toss so that sare jo hamare dry ingredients hai acche se mix ho jaye. So this is now your second coating. Ab maine liya hai paneer jise maine aise roughly squares mein kaat ke rakh liya hai। अब एक हाथ से मैं इसे एक थिक बैटर में डिप करूंगी। यस, इट्स नाइसली कोटेड नाउ। अब मैं इसे इस ड्राई कोटिंग में डालूंगी। मेक श्योर कि जब आप इस पे ड्राई कोटिंग डालें यू यूज द अदर हैंड, बिकॉज अगर आप इस हाथ से जिससे आपने फर्स्ट वाला बैटर छुआ है, इफ यू विल टच द ड्राई कोटिंग विद दिस देन आपके फिंगर्स मैसी हो जाएंगे। सो आई विल जस्ट कवर इट वेल विद द ड्राई कोटिंग एंड टॉस इट एंड प्रेस द ब्रेड क्रम्ब कोटिंग वेल कि जब हम इसे फ्राई करें एक बहुत ही नाइस क्रिस्पी टेक्सचर आए। दैट इज हाउ आ पनीर शुड लुक लाइक। एंड नाउ I'll make the rest of the paneer pieces like this. So now our paneer patties are ready. अब हमें बस fry करना है। तेल गरम हो चुका है और ये medium flame पे है। अब हम अपने paneer patties को fry करेंगे। So I'll take one patty and fry it and drop it gently in the oil. हम पनीर पैटी को दोनों साइड से फ्राई करेंगे जब तक कि गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। पनीर पैटी को फ्राई होके अराउंड 2 to 3 मिनट्स हो गए, तो अब मैं इसे निकाल दूंगी। वाओ, लुक एट द कलर, दिस शुड बी द परफेक्ट कलर, गोल्डन ब्राउन।
and hear the sound, it's sizzling. अब ऐसे ही सारे पैटीज को मैं फ्राई करके एक जगह पे रख दूंगी. अब हम ये पैन लेंगे, पैन में डालेंगे थोड़ा सा बटर एंड देन अब बर्गर बंस, लो टू मीडियम फ्लेम पे कि ये थोड़ा सा टोस्ट हो जाए. दैट्स इट. यू डोंट वांट टू मेक द बंस हार्ड. अब हम दूसरे साइड पे भी ऐसे बटर लगा देंगे. जैसे ही गोल्डन ब्राउन कलर आ जाए, सो आई गॉट दैट गोल्डन ब्राउन कलर, क्योंकि 2 मिनट हो गया है. यस सी, नाउ आई विल फ्लिप इट कि दूसरा साइड भी टोस्ट हो जाए. हमारे बर्गर बंस अच्छे से टोस्ट हो गए दोनों साइड से, तो अब हम इसे एक प्लेट पे रख देंगे. अब हम इसका एक मेन सॉस, विच इज ऑल्सो कॉल्ड द बफलो सॉस, हम वो बनाएंगे. उसके लिए मैंने लिया है अराउंड 4 to 5 टेबल स्पून ऑफ मेयोनीज अराउंड 2 टेबल स्पून ऑफ कर्ड. आई मेक इट 3. अगेन द रेशियो ऑफ मेयो एंड कर्ड कैन बी चेंज्ड. अगर आप हेल्दी बनाना चाहते हैं तो आप ज़्यादा कर्ड ऐड कर सकते हैं, लेकिन if you want you can also use fully mayonnaise. उसमें मैं डालूंगी around 2 tablespoons of tomato ketchup, piri piri masala, little bit of pepper, थोड़ा सा salt. And little bit of red chili powder for the color. अब हमने सब डाल दिया है, अब बस हमें इसे मिक्स करना है. हमारा स्पाइसी चटपटा एंड टैंगी सॉस तैयार है. Now we'll move on to the burger. अब हम एक प्लेट लेंगे बर्गर बन, add a little bit of this sauce which we made just now. मेरे पास ये अनियन रिंग्स एंड टमेटो स्लाइसेस है. बेस पे थोड़े से अनियन रिंग्स. इस पे रखेंगे हमारा एक पनीर पैटी. इस पे डालेंगे थोड़ा और सॉस, सो दैट हम इस पे हम डालेंगे स्लाइसेस ऑफ टमेटो. अब लेंगे हमारा दूसरा बन, उसके अंदर के साइड में लगाएंगे ग्रीन चटनी. मेरे पास ही घर पे ग्रीन चटनी थी. अगर आपके घर पे भी ग्रीन चटनी बनी हुई रखी है, सो यू कैन यूज दैट टू इंक्रीज द टैंगीनेस, बट इन केस यू डोंट हैव यू कैन ऑलवेज स्किप दैट. एंड अब मैंने इसके ऊपर रखा एंड अ यमी स्पाइसी पनीर बर्गर इज रेडी. सो आर मैक स्पाइसी पनीर बर्गर इज रेडी. लुक्स यमी, डजंट इट? आई प्रोमिस यू, अगर आप हमारी रेसिपी को वर्ड बाय वर्ड फॉलो करेंगे तो ये बिल्कुल बाहर के पनीर बर्गर की तरह अमेजिंग एंड टेस्टी बनेगा. इफ यू लाइक द रेसिपी, then like, share and comment. Bye-bye.